बनू के इलाके अहमदजई में दहशतगर्दों का रोचा पुलिस चेकपोस्ट पर हमला, 7 पुलिस अहलकार असलहे समेत अगवा। इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज, चेकपोस्ट सब डिवीजन के दूर अफ्तादा इलाके में है। नेशनल एक्शन प्लान अपेक्स कमेटी का इजलास कल दिन 2 बजे तलब, वजीर आजम की जेर सदारत। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए सख्त इकदाम की मंजूरी दी जाएगी। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुआशी तरक्की के इकदाम के बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास से खिताब, कहा महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। इसलिए आपने पहले से सारा गिरफ्तारी का लाइन में याद रखें और बाद में ये नहीं सुना जाएगा कि आप गिरफ्तार हो गए, शहरी हो गई, ये हो गया, इसलिए आप लोगों को वहां से जाना पड़ा। 24 नवंबर बानी और मुल्क से वफादारी का इम्तहान है। जो सच्चा और गैरतमंद होगा वो बानी का साथी होगा। बुशरा बीबी की पार्टी अहदेदारों से गुफ्तगू की, ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने बानी का पैगाम सुनाया जिसमें कहा गया हर एमपीए 5, एमएनएस 10,000 लोग लाएंगे। एहतजाज में शामिल होना सब पर लाजिम है। शिरकत न करने वालों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। गिरफ्तारी से डरने वाले को टिकट नहीं मिलेगा। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए अलयमीन गंडापुर का खसूसी कंटेनर तैयार। वजीर आला हाउस में इजलास में अल जिहाद के नारे लग गए। मालाकंड मर्दान और स्वाबी समेत कई अजला के अरकान की अदम शिरकत। कहा किसी ने बुलाया ना ही जाने का शौक है। कोर कमेटी के कुछ मेंबर भी गैर हाजिर रहे। हुकूमत भी कमर बस्ता। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफा 144 नाफिस। पुलिस ने 400 कंटेनर्स मांग ली। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ रियासतें हरकत में हैं। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का बड़ा इंकशाफ। कहा ये रियासतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार देखना चाहती हैं। मजीद बोले एतराफ़ करता हूँ, हम पर दबाव है, सारी ताकतें अपने मफादात देखती हैं। बुशरा बीबी लीड नहीं कर रही, उन्होंने बस बानी का पैगाम दिया। शेख वकास कहते हैं हम कभी मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं रहे, बातचीत के लिए हमने कभी पहल नहीं की, न करेंगे। बैरिस्टर सैफ की पार्टी में इख्तलाफ राय की खबरों की तस्दीक, कहा मुतालबात तस्लीम हुए तो एहतजाज नहीं करेंगे। लोग बानी पीटीआई के बहन और बेगम को नहीं सिर्फ बानी को मानते हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है, एक एमपीए 50 बंदे भी ले आया तो सलाम करूंगा। रहीम यार खान में लर्जा खेज वाकया, रूठी बीवी को मनाने के लिए ससुराल आने वाले शौहर की फायरिंग। बीवी बच्चे समेत 4 अफराद कत्ल, मुलजिम ने गोली मारकर अपनी भी जान ले ली। सास और साला तश्वीशनाक हालत में, शेख जैद अस्पताल मुंतकिल। घोटकी के इलाके नूर पीर कच्चा में पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 20 रोज पहले अगवा होने वाले मगवी मुश्ताक बाजियाब अगवाकार फायरिंग करते हुए फरार। कामुकी में अलमनाक वाकया, मामूली झगड़े पर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। मुलजिम मोहसिन ने नबील को ट्रेन के आगे धक्का दे दिया। डस्का में बहू के कत्ल में शरीक मुलजिमान मजीद 4 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मकतूला की सास सुगरा बीबी, नंद यास्मीन और नंद के बेटे नवीद समेत 4 मुलजिमान की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रिश्ते से इनकार क्यों किया, मियांवाली में खातून के हाथों 21 साल नौजवान कत्ल। मुलजिमा महर शोहर से तंसीख़े निकाह के बगैर सकलैन से निकाह करना चाहती थी। मकतूल तंसीख़े निकाह के बगैर निकाह पर राजी न था। इनकार पर मुलजिमा ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में कमी, फैसलाबाद और गुजरांवाला डिविजन्स में स्कूल खोल दिए गए। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में स्कूल बदस्तूर बंद रहेंगे। सूबे में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के औकात में रात 10 बजे तक नरमी। डाइन इन और टेक अवे की सहूलत भी रात 10 बजे तक दस्तियाब।
24 घंटे में 70,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट का मोटरसाइकिलों को बैटरी पर मुंतकिल करने का हुक्म। हसन नवाज की कंपनी के दिवालिया होने का अमल 1972 से शुरू हुआ। तर्जुमान शरीफ खानदान का कहना है, सजा देने के लिए शरीफ खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया कराया जा चुका। भुट्टो के बाद परवेज मुशरफ और फिर साकिब निसार एंड कंपनी ने यही काम किया। मेरे वाले साहब को सख्त जो है वो इंटेंसिव केयर की और बेहतरीन इंटेंसिव केयर की जरूरत है। मैं पीसीबी से और हुकूमत वक्त से पुरजोर अपील करता हूँ कि इस वक्त हमारा साथ दें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर नज़ीर जूनियर शदीद अलीम कमजोरी के बाइस चलने फिरने से कासिर। बेटे नौमान की वालिद के इलाज के लिए पीसीबी से इकदाम की अपील। और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गजर में मौसम के रंग पत्तों के रंग तब्दील हो गए। हर मंजर दिलकश हो गया।